हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो उसमें हमने जो टर्म्स डिस्कशन किए थे वोल्टेज के ऊपर, करंट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर एंड पावर के ऊपर, जो कि बहुत ही बेसिक्स थे, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैंने बताया था, जोर दिया था उनपे। तो उसी टर्म्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ टर्म्स हैं, जिसमें एक टर्म आता है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा का प्रभाव। धारा के प्रवाह से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो टाइप ऑफ हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो दो टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है हमारी एसी और एक होती है हमारी डीसी। अब ये टर्म्स जो है वैसे तो बहुत छोटा टर्म्स है, लेकिन कई बार इन चीजों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डी फॉर डायरेक्ट, डायरेक्ट, सी फॉर करंट, डायरेक्ट करंट। अब कई बार इनके सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं कि एसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का सिंबल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम एसी और डीसी दोनों चीजों में जो मेजर डिफरेंस होते हैं वो देख लेते हैं। एसी यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब है अल्टरनेटिंग, और ये होता है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। यानी अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो एसी का सिंबल होता है कुछ ये और डीसी का सिंबल होता है ये। यानी एसी आखिर इसको क्यों कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसके अंदर होता है साइन वेव, यानी जो ये वेव फॉर्म आती है और वो आती है हमारी साइन वेव। इस एक्सिस पे हमारा होता है टाइम और इधर की तरफ होता है हमारा वोल्टेज, जिसको हम एम्पलीट्यूड या आयाम के नाम से जानते हैं। अब इस पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो ये है जीरो पोजीशन, जहां पे टाइम और वोल्टेज दोनों ही जीरो है। अगर हम इस पोजीशन पे देखें, मान लीजिए हम ये टी वन वैल्यू मानते हैं, तो टी वन पर जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। हम टी टू को कोई टाइम लेते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। उसके बाद अगर हम कोई टी टू टाइम लेते हैं तो वहां पे देखते हैं कि इसके इक्वल हो रहा है, फिर ये घटते घटते यहां पे देखते हैं तो जीरो हो जाता है, फिर इधर माइनस चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह टाइम के रेस्पेक्ट में घट बढ़ रहा है, यानी अल्टरनेट हो रहा है। तो इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से। बाकी जो ये वेव फॉर्म है, ये वाला जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को साइन वेव के नाम से जानते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि हमारा जो वेव फॉर्म होता है एसी का, वो कौन सा वेव फॉर्म होता है? स्क्वायर वेव होता है, साइन वेव होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है, या इनमें से कोई नहीं, या कोई सभी? तो हमारा जो वेव फॉर्म होता है एसी का वो होता है साइन वेव। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट में अगर इसका वेव फॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमारी वोल्टेज होती है या एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, एकदम सीधी लाइन में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। अच्छा, हमारे इंडिया में जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और वही अगर हम डीसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। ये होता कहां है, कैसे, इसको हम आगे जो एक चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई 50 हर्ट्ज और इसका 0 हर्ट्ज। तो ये बेसिकली हमारा एक डिफरेंस होता है एसी और डीसी में। एसी को जनरेट करने के लिए हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं, और जो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है। इसके जो सोर्स है डीसी को जनरेट करने के, वो हमारी बैटरी है, सेल है, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, डीसी जनरेट करते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया एसी और डीसी के अंदर, क्या होता है इसके बारे में पता चल गया, कहाँ यूज करते हैं ये पता चल गया। ठीक है, अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें,
यानी जब किसी सर्किट से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो वहां पे उस कंडीशन के उस एक जो हमारा वहां का एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक इफेक्ट जनरेट होता है। ये इफेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हम देखते हैं वो होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रभाव। सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट। नंबर टू केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। नंबर थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव। नंबर चार गैसीय इफेक्ट, नंबर चार गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट यानी गैसीय इफेक्ट, गैसीय प्रभाव। नंबर पांच रे इफेक्ट, किरण प्रभाव। तो ये हमारे मेनली पांच टाइप के इफेक्ट हैं, जिनमें सबसे पहला हीटिंग इफेक्ट है यानी ऊष्मा का प्रभाव, केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव, गैस आयनाइजेशन का इफेक्ट यानी गैसीय प्रभाव, और रे इफेक्ट एंड किरण प्रभाव। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो आखिरकार हीटिंग इफेक्ट होता क्या है? तो आपको याद होगा कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बात किया था कि रेजिस्टेंस करता क्या है, यानी रेजिस्टेंस का काम होता है किसी भी धारा के मार्ग में व्यवधान को उत्पन्न करना। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा कॉपर का कंडक्टर है, इस कॉपर के कंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के लिए उनकी एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब अगर इनके रास्ते में एकदम से कोई रुकावट ला दिया जाए, यानी जैसे कि मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते हमारे रास्ते में कोई पत्थर आ जाए, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एकदम से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसी अदर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होते रहते हैं और उनके रास्ते में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाए, तो वहां पे जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में यानी ऊष्मा के प्रभाव में। अब इसी इफेक्ट का यूज हम करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में, यानी जहां कहीं भी हम रेजिस्टेंस को लगा दें, यानी कंडक्टर को रेजिस्टिव बना दें, यानी जितना ज्यादा हमारा कंडक्टर रेजिस्टिव होगा उसके रास्ते में उतनी ज्यादा रुकावटें आएंगी, और जितनी ज्यादा रुकावटें आएंगी जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और इसी चीज का यूज हम अपने हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर करते हैं। तो अगर हम ऊष्मा के प्रभाव को देखें, ऊष्मा के प्रभाव को, तो उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, इमर्जन हीटर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है,
हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये सवाल पूछा भी जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सा ऐसा अप्लायंसेज है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, तो वो आपको जनरली पता चल जाएगा, जैसे कि हीटर हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस हुआ, केटल हुआ, इमर्जन हीटर हुआ, रूम हीटर हुआ, ओवन हुए कई बार, अब आजकल तो ओवन अलग टाइप के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे हीटिंग इफेक्ट के अंदर करते हैं। अब दूसरा है हमारा केमिकल इफेक्ट। अब है हमारा केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर, यानी जो हमारा कोई एसिड सॉल्यूशन है उसके अंदर हम जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वो आयंस में विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट कहते हैं। तो केमिकल इफेक्ट का जो हमारा सबसे ज्यादा मेन एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम उसमें क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आपने साइंस में एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम किसी सोलेनोइड के ऊपर एक कॉइल लगा देते हैं और उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएं तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वहां पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसी इफेक्ट का यूज हम बहुत सारी चीजों में करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर के अंदर, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट होती है, चुंबकीय प्रभाव होता है। यानी ऐसी जगह जहां पे हमें एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो उसके लिए हम एक कॉइल लेंगे, सोलेनोइड लेंगे, सोलेनोइड के ऊपर कॉइल को लपेट देते हैं और वहां पर हम सप्लाई दे देते हैं, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट का करते हैं। उसके बाद है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए, जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल को ले हम, ट्यूबलाइट आज के टाइम में बहुत कम यूज होने लग गया है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता था, एक गैस फिल्ड होती थी और वो पहले फ्लिकरिंग करता था और फ्लिकरिंग करने के बाद में वो जलता था। तो उसमें होता क्या था कि जब हम वहां पे एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे तो हाई वोल्टेज को अप्लाइड करने के बाद गैस का क्या होता था, आयोनाइजेशन हो जाता था, और उस आयोनाइजेशन की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता था। तो वो यही इफेक्ट हम यूज करते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंप में, जैसे कि हमारा सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, हमारा फिर ये जो ट्यूबलाइट थी, तो इन सभी चीजों में हम किसका यूज करते थे, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट का। यानी जब हम किसी गैस से फिल्ड कंटेनर के अंदर जब हम हाई वोल्टेज अप्लाइड करते थे तो वहां पर उस गैस का क्या होता था, आयोनाइजेशन हो जाता था। तो ये हमारा होता है गैस का आयोनाइजेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा रे इफेक्ट। तो रे इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इसका भी आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, जिसको कि हम एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे में आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है तो उस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं। तो एक्सरे में जनरली किया क्या जाता है कि एक हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी को हम एक वैक्यूम ट्यूब से निकालते हैं, जिसके कारण वहां पर एक रे इफेक्ट आती है, और जिस रे के नाम को जानते हैं हम एक्सरे के नाम से जानते हैं। यानी हम जब किसी वैक्यूम ट्यूब से, यानी वायु जिसके अंदर नहीं हो उस ट्यूब से हम हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी को गुजारते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक रे का इफेक्ट आता है जिसको एक्सरे के नाम से जाना जाता है। तो इसी एक्सरे का हम यूज करते हैं किसमें, मेडिकल साइंस के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे टर्म्स हो गए सारे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मेनली हमारा हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, उसके बाद हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट और रे इफेक्ट। तो उनमें से पूछा जाता है सवाल जो हमारा पूछा जाता है इस पे, जनरली यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत का प्रभाव नहीं है।
तो ऑप्शन ये तीनों दे सकता है और चौथा देगा ये सभी, या हो सकता है कि तीन ऑप्शन ये दे दे, कोई एक अलग ऑप्शन दे जिसमें आपको पता करना हो कौन सा नहीं है। तो इस टाइप के सवाल एक आधे इस पे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।